साइंटिस्ट ने एक ऐसे इंजेक्शन को बनाया है, अगर आप इसे इंजेक्ट करोगे तो आप बिना सांस लिए सर्वाइव कर सकोगे, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं। और जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जा रहे थे उस समय उनकी फैमिली उन्हें ऐसे देख रही थी, और यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स ने इस कोरोना वायरस की माइक्रोस्कोपिक इमेज को पब्लिश किया है, और ये कोरोना वायरस का एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक इमेज है। यही डॉट्स, यही ऑरेंज कलर के डॉट्स, वो कोरोना वायरस है। और कभी आपने ये सोचा है कि प्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ते? यही प्लेन्स जो आसमान में उड़ते हैं, ये स्पेस में क्यों नहीं उड़ते? तो फैक्ट एडिशन का एक नया सफर स्टार्ट करते हैं। नंबर 20, बुर्ज अल अरब, जो कि दुनिया का पहला 7-स्टार होटल है। तो वहाँ जो भी गेस्ट वहाँ रहने के लिए आते हैं तो उन्हें 24 कैरेट गोल्ड का आईपैड दिया जाता है, मतलब वो आईपैड वो ऐसे गोल्ड से फुल कवर होता है। नंबर 19, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद एक स्पीशीज आई थी जो कि ऐसे जाइंट टर्टल्स की थी, और ये टर्टल की स्पीशी इतनी बड़ी थी कि ये मगरमच्छ यानी कि एक क्रोकोडाइल को भी खा सकती थी। ये डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ऐसे स्पीशीज आए थे इस दुनिया में। नंबर 18, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, तो वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, क्योंकि वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं और 500 बिजनेसेस को हैंडल करते हैं, और उनकी नेटवर्थ $3.1 बिलियन की है। नंबर 17, अगर आप जर्मनी में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो और आप ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हो, तो आप वहाँ के ऐसे पोल का इस्तेमाल करके जो उस पोल के दूसरे साइड यानी कि रोड क्रॉस करने के बाद दूसरे साइड खड़ा है, उसके साथ आप टेबल टेनिस और पिंग पोंग भी खेल सकते हो वहाँ का ट्रैफिक जाम क्लियर होने तक। नंबर 16, ये फैक्ट आपको एग्जाम के वक्त बहुत काम आ सकता है। एक स्टडी के हिसाब से जो स्टूडेंट्स एग्जाम के वक्त ज्यादा पानी पीते हैं तो वो स्टूडेंट्स एवरेज से 5% ज्यादा स्कोर करते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया था। तो आप भी इसे एक बार ट्राई करके देख लेना। नंबर 15, कॉन्फ्यूशियस, जो कि एक बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सुनो, A man who asks a question is a fool for a minute. यानी कि जो इंसान क्वेश्चन पूछता है वो एक मिनट के लिए बुद्धू होता है, और A man who do not ask a question is a fool for a whole life. यानी कि जो इंसान सवाल पूछता ही नहीं वो जीवन भर के लिए बुद्धू होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 14, जापान के जो पासपोर्ट होते हैं वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज जाने के लिए वीज़ा फ्री देते हैं, जो कि 195 कंट्रीज में से 191 कंट्रीज में चलेगा। ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों में होता है, और इनकी एक यहाँ लिस्ट है। यहाँ देखो, पहले पोजीशन पे आता है जापान, जो कि 190 कंट्रीज को वीज़ा देता है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। सेकंड है सिंगापुर, जो 190 देशों को वीज़ा देता है, और थर्ड है जर्मनी, जो कि 189 कंट्रीज को देता है, और साउथ कोरिया भी 189 कंट्रीज को ही देता है। और उसके बाद आता है फिनलैंड, जो कि 188 कंट्रीज को देता है, और इसके बाद इटली 188 कंट्रीज को देता है, डेनमार्क 187 कंट्रीज को देता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। नंबर 13, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जो है वो मोनाको, जो कि एक एंटायर कंट्री है, वो सेंट्रल पार्क उस कंट्री से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 12, पोलैंड में एक जायंट जीसस का स्टैचू है, और ये स्टैचू है वो बड़ी बात नहीं है, ये स्टैचू अपने आसपास के टाउन्स को वाईफाई देता है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने इस स्टैचू को बनाया है। नंबर 11, एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था मिचियो होशिनो, और उसने ये फोटो को खींचा था। तो ये फोटो ऐसे वैसी फोटो नहीं है, इस फोटो को उसने ठीक मरने से पहले खींचा था, और ये फोटो 1966 में खींची गई थी। नंबर 10, मैं आपको अच्छे काम करने का एक एग्जांपल देता हूँ। इस इमेज में जो आदमी आप देख रहे हो, ये पहले सड़क पर भीख मांगता था, लेकिन थोड़े स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके इनके लिए एक चॉकलेट टॉल खोल दिया है। इसे कहते हैं इंसानियत का परफेक्ट एग्जांपल। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की रानी है, तो वो लीगली अर्थ के लैंड सरफेस का 1/6 पार्ट ओन करती है। नंबर 8, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कोई पेंटिंग नहीं है,
ये असल में ग्लास को टुकड़ों यानी कि ग्लास के अलग अलग जगह पर मार के ये ऐसी पिक्चर बनाई गई है। नंबर 7, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। वो स्टैचू इजिप्ट ने फ्रांस को दिया था, लेकिन फ्रांस उसे लेने को मना कर दिया, तो इसलिए वो स्टैचू अमेरिका को एज अ गिफ्ट दिया गया था। नंबर 6, आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट रोम के इस मॉडल को बनाया है। आपका हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना लेगा, लेकिन नहीं, असल में इसे बनाने में 35 ईयर्स लगे थे, क्योंकि इसमें छोटी सी छोटी डिटेल का ध्यान दिया गया है। नंबर 5, लग्जमबर्ग पहले ऐसी कंट्री है जहां उसके सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया गया है। वहां बस, ट्रेन, बिल्कुल सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 4, डेल्टा नाम की एक एयरलाइंस है और वो आपको 7,000 रुपए का आपकी वेकेशन पैकेज के लिए कम करेगी अगर आप उसे अपने बर्थडे के मंथ में बुक करोगे तो। नंबर 3, 20,000 मधुमक्खियों का एक झुंड एक कार को फॉलो किया लगभग 2 दिनों तक, और ये ऐसे ही फॉलो नहीं किया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी क्वीन बी जो थी वो कार के अंदर फंस गई थी, इसलिए उनकी क्वीन बी को बचाने के लिए 20,000 मधुमक्खियों का झुंड वो कार को फॉलो किया था। नंबर 2, एक बार 3 लोगों ने कोको कोला बनाने की रेसिपी को चुरा लिया था और उन तीनों लोगों ने पेप्सी कंपनी को कांटेक्ट किया उसे बेचने के लिए, लेकिन पेप्सी ने FBI और कोको कोला कंपनी को ये बात इन्फॉर्म कर दी और वो 3 लोग पकड़े गए। नंबर 1, एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते, ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया होगा। इसका जवाब जानने से पहले आपको प्लेन उड़ता कैसे है वो जानना होगा, तभी आपको इसका जवाब समझ आएगा। एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो है उसके विंग्स जो प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, और दूसरा है उसका हैवी इंजन जो कि एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिसे वो आगे की ओर ले जा सके। मतलब प्लेन को उड़ाने के लिए 2 चीज़ों की नीड होती है, एयर मीडियम जो प्लेन के विंग से टकरा कर ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और ऑक्सीजन जो कि इंजन को चलाने की मदद कर सके। आमतौर पर कमर्शियल प्लेन्स 13 किलोमीटर मतलब 45,000 फीट उड़ सकते हैं, और ऐसे कुछ कॉर्पोरेट जेट्स हैं जो कि 51,000 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं। क्या हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, लेकिन जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। कम एटमॉस्फेयर की वजह से कम हवा के पार्टिकल्स और एयर डेंसिटी कम हो जाती है। कम एयर मॉलिक्यूल की वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंजन को फ्यूल बर्न करने के लिए मुश्किल होती है। इससे इंजन का टच नहीं मिलता है जिसकी वजह से एरोप्लेन हवा में बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लेन्स स्पेस में नहीं उड़ते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।